वाले दीदी को थैंक यू जिसने हमारा कैमरा पकड़ा हुआ है। इसे कौन सा रूम कहते हैं? सीक्रेट रूम। ये हमारा सीक्रेट रूम है। चलो इसके भी दर्शन करवा देता हूँ। सर पुचू आपको लेके जा रहा अभी ऊपर, अभी ऊपर से आपको ये होम टूर करवाएगा। चलो पुचू शाबाश। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस इस ब्लॉग में मैं करवाने वाला हूँ आपको अपना घर का टूर, पूरा होम टूर करवाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं मतलब फ्रेश हुआ हूँ और ये सामने पड़ा हुआ है मेरे ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट करके अब जल्दी से अपना ब्लॉग करते हैं शुरू, जो कि आज का जो मेन ब्लॉग है कि मैं आपको घर का टूर करवाने वाला हूँ। तो गाइस अभी जल्दी से कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, फिर अपना असली ब्लॉग करते हैं शुरू। सो गाइस ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, अभी करवा देता हूँ मैं आपको होम टूर। लेकिन सबसे पहले अभी मैं दिखा देता हूँ आपको घर का बाहर का व्यू कैसा है, मतलब बाहर से कैसा व्यू है हमारे घर का। सो अभी चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का व्यू पहले। सो गाइज आउटसाइड का व्यू आपने देख लिया, अब मैं और पुचू आपको करवाते हैं अंदर का टूर। ये है हमारी मेन एंट्रेंस, यहाँ से अंदर जाना है। अभी चलते हैं अंदर, आ जाओ अंदर। एंटर होने के बाद सबसे पहले दीदी को थैंक यू जिसने हमारा कैमरा पकड़ा हुआ है। सो गाइज उसके बाद ये आ गया हमारा पोर्शन, ये हमारी छोटी लॉबी आ गई। और पीछे दिखाओ, पीछे ये वॉशरूम है। दीदी को मतलब कैमरा पकड़ना भी नहीं आता है, सॉरी। इधर से हाँ, ये वॉशरूम है, अब इसके अंदर से थोड़ा दिखाना है। आओ इधर आओ। सो गाइस जैसे ही कोई गेस्ट आता है सबसे पहले यहाँ पे विराजमान होते हैं वो। हमारा ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं। जैसे कोई गेस्ट आता है सबसे पहले यहाँ, सबसे पहले यहाँ विराजमान होते हैं। फिर उसके सबसे अच्छी चीज तो दिखाई नहीं, क्या पेंटिंग्स जो, हाँ पेंटिंग्स भाई सबसे अच्छी चीज दीदी ने परचेज की हुई है, ठीक है। तो बस मैंने अपने पैसे खर्च किए हैं, ध्यान से देख लो इनको। चलो फिर आगे ये हमारी छोटी सी लॉबी, पहले छाले मतलब छोटा बरामदा कह सकते हैं। ये हमारा ऊपर सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ने का रास्ता, ये तो पता ही है आपको। और गाइस ये है हमारी किचन, इधर करना यार मैं कुछ बात बता दूँ। सो गाइस कहने के तो हमारे लिए ये किचन है, पर ये हर एक हाउस वाइफ के लिए उसका एक ताजमहल है। हम तो ऐसे किचन बोल देते हैं। चलो अभी आगे आप दिखाऊंगा आपको। चलो तो गाइस ये है हमारी दूसरी एंट्रेंस, अभी यहाँ आओ। तो ये है हमारी लॉबी, आप देख रहे हो ये हमारी खुली लॉबी आ गई। फिर उसके बाद डुबुट की दो मिनट, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ, ये हमारा रूम है, ये भैया भाभी का रूम है। मतलब कहने को तो भैया भाभी का, वैसे हम भाइयों में कोई रूम वगैरह वो नहीं है अभी तक कि ये इसका है वो उसका, बट कहने को हाँ भैया भाभी यहाँ पे सोता तो भैया भाभी का रूम है। सो गाइस अभी आगे चलूँ तो आ जाओ इधर, ये है हमारा, इसे कौन सा रूम कहते हैं? सीक्रेट रूम। ये हमारा सीक्रेट रूम है, चलो इसके भी दर्शन करवा देता हूँ। सो गाइस ये यहाँ पे अलमीरा वगैरह सब लगा हुआ है। और ये आ गया हमारा पूजा रूम, पूजा रूम दिखाओ। जय जय करो, जय जय माता दी जय। चलो ये हमारा आ गया पूजा रूम, अब चलो आगे। अब आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर, ऊपर दिखाते हैं। सो गाइस पुचू आपको लेके जा रहा अभी ऊपर, अभी ऊपर से आपको ये होम टूर करवाएगा। चलो पुचू शाबाश। हाँ चलो 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 चलो। बाकी ये है यहाँ से एंट्रेंस, ये एंट्रेंस होते ही हम ऊपर आ गए, ये छत आ गया हमारा, ये गमले वगैरह आप देख रहे हो। सो गाइस सबसे पहले आपको साइड पे दिखा दूँ तो ये ऊपर वाले जो हमारा सेट ऊपर वाला उसका वॉशरूम है, ये वॉश फेशर वगैरह, ये आ गया उसका छोटा सा बरांडा, और बरांडे के साथ ही ये आ गया पहला रूम जो कि है, अब इसे अभी कह सकते हो कि गेस्ट रूम ही है, बिकॉज ऊपर तो कोई होता नहीं है, ये गेस्ट रूम ही है, यहाँ पे गेस्ट आके सो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस ये आ जाता है मेरा रूम,
खोल के दिखा दूँ मैं आपको, ये आ गया मेरा रूम जो कि आपको साफ लग रहा होगा, बट हालांकि ऐसा होता नहीं है, होम टूर करवा रहा हूँ तो मैंने साफ किया हुआ है वैसे। बाकी क्या है इसमें, बाकी वो था गाइस मेरा स्टडी टेबल जिस पे अभी फ़िलहाल ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, आप उधर से ही मतलब ब्लैंकेट को देख के गैस कर सकते हो कि सब कुछ तो साफ कर लिया इस बंदे ने, बट ब्लैंकेट वहाँ से उठाना भूल गया। सो गाइस वो स्टडी टेबल था, वहाँ पे मैं पहले मतलब पढ़ाई किया करता था, लेकिन अब मेरी मतलब पढ़ाई बंद हो चुकी है बिल्कुल ही, तो ये ऐसे स्टडी टेबल है। और ये है मेरा अलमीरा, अलमीरा के ऊपर ही लगा हुआ है वाईफाई, और अलमीरा अब मुझे मजबूर मत करना कि अलमीरा खोलूँ मैं, क्योंकि अलमीरा खोलूँ तो बताओ खोलूँ कि नहीं, क्या आपके आपके मन में क्या आ रहा है, खोलूँ या नहीं खोलूँ? बड़े सारों के मन में आ रहा है कि खोलो। सो गाइस ये है मेरा अलमीरा, देखो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। सो ये मेरे कपड़े वहां बेड पे पड़े हुए थे, मैंने जल्दी से उठा के इसमें गया। सो जल्दी से इसको मतलब अच्छे से इसको करता हूँ बंद, और इसको अच्छे से होम टूर आपको करवाने के बाद अच्छे से रखूंगा प्रेस करके वगैरह सारे कपड़े अपने। और ये मेरे फिलहाल शूज ही यहाँ पे पड़े हुए हैं, और क्या रह गया इसमें, इस रूम में और कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास। बाकी अभी मैं करवा देता हूँ आपको यहाँ ऊपर किचन, ये चेयर है यहाँ पे, तो ये इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, और ये है गाइस ऊपर वाला किचन। और इस किचन का मैं आपको बता दूँ तो फिलहाल ये मतलब बड़ा ही रेयर यूज़ होता है, कोई ओकेज़न वगैरह हो कभी कभार यूज़ होता है, नहीं तो ये किचन ऐसे ही है, मतलब अभी फ़िलहाल नहीं यूज, नीचे वाले किचन पे ही खाना बनता है, ये फ़िलहाल किचन ऐसे ही है। सो बस गाइस इतना ही था हमारा किचन, ये ऊपर वाला, और ऊपर से बाहर का व्यू मैं आपको दिखा दूँ तो ये, और सामने लगी हुई है हमारी पारो, और ये आगे गली हमारी, और इधर से ये मैं आपको ले चलता हूँ छत पे, छत से व्यू कैसा दिखता है हमारा, ये आगे ऊपर हमारे छत वाली सीढ़ियाँ, मैं ले चलूँ आपको तो ये गंद पड़ा हुआ है क्योंकि पटाखे उठाए थे दिवाली वाले दिन के, तो उसका गंद पड़ा हुआ। बाकी छत से व्यू देखो आप, हमारे पूरे गांव का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। नीचे वाले कौन आए हुए, कौन है पुचू? आए बुजी आए हैं, पकड़ कैमरा, ओ चलिए चलिए यार, काशी चलिए मम्मी, तेरे बड़े को मिल रही है बिल्कुल नहीं, मम्मी क्या मम्मा ठीक है, चार पास निकल गए अपने दूसरे। और सो गाइस ये है मेरे बुजी, कौन से वाले बताऊं मैं, कडेतर वाले, हां ये है मेरे कडेतर गांव है, कडेतर वाले बुजी हैं मेरे। अच्छा, और मम्मी जी कर रहे हैं, मम्मी जी और मम्मी जी कर रहे हैं अपने ननंद की सेवा भी, तो होम टूर होने के बाद बुजी से भी आशीर्वाद मिल चुका है हमें। और अब गाइस मैं मिलता आपको थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स बुज्जी आए हैं पापा को टीका लगवाने, और मुझे भी लगवाए उन्होंने, मतलब हमेशा मुझे भी लगवाते हैं टीका बुज्जी, तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। सो गाइस अभी मैं नीचे आया हूँ, ऊपर जाके चेंज करके थोड़ा सो गया था, पता नहीं कुछ हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। बाकी अभी नीचे आया हूँ मैं डिनर करने के लिए, डिनर मंगवा लिया मैंने दीदी से, वो देखो ये बंदा नहीं, मतलब ये नहीं रुकेगा। सो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आपने एकदम मतलब एकदम रात तरीके से हमारा होम टूर देखा, कुछ भी ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब जो भी था आपके सामने था। सो अभी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।